नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी कहानी जो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया चैप्टर में से थर्ड जो उसका पोर्शन है वो हम पढ़ेंगे, टी फ्रॉम आसाम, यानी कि पार्ट 5 में हम पढ़ने वाले हैं आसाम की चाय के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन में बता देती हूँ कि ये जो कहानी है, ये दो लड़कों की कहानी है जो दिल्ली में रहते हैं, वहीं पढ़ाई करते हैं, और एक का नाम है प्रांजल और दूसरे का नाम है राजवीर। प्रांजल आसाम को बिलोंग करता है और छुट्टियों में अभी उसने अपने दोस्त राजवीर को अपने यहाँ इनवाइट किया है और वो उसके साथ उसके गांव जा रहा है जो कि कहाँ स्थित है, आसाम में स्थित है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, यानी प्रांजल जो है वो एक लड़का है आसाम का, इस राजवीर क्लासमेट, और वो कौन है, वो राजवीर दूसरा एक बच्चा है इसी चैप्टर में, उसका सहपाठी है, उसकी क्लास में पढ़ता है, एट स्कूल इन दिल्ली। और कहाँ पढ़ते हैं वो लोग, दिल्ली में पढ़ते हैं, दोनों युवा लड़के हैं, यंगस्टर हैं। प्रांजल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम, और प्रांजल के जो पिताजी हैं वो मैनेजर हैं, मैनेजर यानी प्रबंधक हैं, ऑफ अ टी गार्डन, एक चाय के बागान के, इन अपर आसाम की, ऊपरी आसाम का जो क्षेत्र है वहाँ पर। एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम, और प्रांजल ने राजवीर को अपने घर पे बुलाया है, यानी उसको आमंत्रित किया है कि छुट्टियों में तुम हमारे साथ चलो, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, यानी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उसमें वो अपने दोस्त को अपने साथ अपने घर लेके गया है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। वेंडर का मतलब है यहाँ पे जो चाय बेचने वाला है, उसके लिए कहा जा रहा है कि एक चाय बेचने वाला जो है वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा था, चाय गरम गरम चाय, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये बच्चे ट्रेन से जा रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन पे आपने भी बहुत बार अनुभव किया होगा कि इस तरह से जो फेरी वाले हैं, जो वेंडर्स हैं, वो आवाज़ें लगाते रहते हैं। तो चाय गरम गरम चाय, और वेंडर यानी फेरी वाला कॉल्ड आउट इन हाई पिच वॉइस, बहुत तीखी तेज आवाज़ में वो आवाज़ें लगा रहा था, और आवाज़ लगाते हैं बहुत तेज़ आवाज़ में ताकि सबको सुन जाए, कोई ना कोई उनकी चाय ले ही लेता है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्ड चाय साहब, वो उनकी खिड़की के पास आया और उसने उनसे पूछा कि चाय लेंगे साहब। गिव अस टू कप्स प्रांजल सेड, और प्रांजल ने कहा कि हमें दो कप चाय दे दीजिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, स्टीमिंग हॉट का मतलब होता है जिसमें से, स्टीम मतलब होता है भाप और हॉट का मतलब होता है गर्म, एकदम गर्म चाय थी जिसमें से भाप निकल रही थी, उस चाय को वो लोग पीने लग गए, उसमें से वो चुस्कियाँ लेने लग गए, सिपिंग यानी चुस्की लेना। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, और उन्होंने वो गर्म चाय जिसमें से भाप निकल रही थी उसकी चुस्कियाँ लेनी शुरू कर दी। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू, ऑलमोस्ट एवरी वन यानी हर कोई जो उस कंपार्टमेंट में, यानी उनके जो डब्बा था उसमें जितने भी लोग बैठे थे, ज़्यादातर सभी लोग चाय पी रहे थे। ऑलमोस्ट एवरी वन यानी कि ज़्यादातर, अधिकतर सभी लोग इन देयर कंपार्टमेंट, उनके जो डब्बे में बैठे थे, वॉज ड्रिंकिंग टी टू, उनके साथ साथ वो लोग भी चाय पी रहे थे। वेंडर का मतलब होता है फेरी वाला। चलिए देखते हैं आगे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। और फिर राजवीर ने कहा चाय पीते पीते कि क्या तुम जानते हो, डू यू नो दैट, कि ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, यानी कि लगभग 80 करोड़ चाय के कप, यानी चाय पीते हैं लोग बाग, आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, हर रोज़ पी जाती है पूरे संसार में। अगर देखा जाए तो रोज़ कितनी चाय पी जाती है, 80 करोड़ कप्स की चाय पी जाती है पूरे संसार में एक दिन में। आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी हर रोज़ पी जाती है, राजवीर सेड, राजवीर ने कहा। व्यू
एक्लेम्ड प्रांजल। और ये बात सुन के प्रांजल ने कहा, अरे मतलब ऐसे हम आश्चर्य से कहते हैं ओह, यानी कि उसको पता ही नहीं था टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। तो वो कहता है अच्छा चाय, इसका मतलब चाय वास्तव में ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल बरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। और जैसे ही ट्रेन वहाँ से चल पड़ी, आगे बढ़ी, तो स्टेशन से जब वो आगे निकल गई, तो प्रांजल ने, बरिड का मतलब होता है घुस जाना है, यानी दफन कर देना भी होता है, घुस जाना भी होता है, तो उसने क्या किया, अपनी नोज़ को यानी अपनी ऊपर किताब ले ली पढ़ने के लिए। इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, तल्लीनता से कोई किताब पढ़ता है, तो कहते हैं कि वो तो अपनी नाक घुसा के उसके अंदर पढ़ रहा है, यानी वो इतना खो गया है उसके अंदर कि उसको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। इसलिए कहा गया है प्रांजल बरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक। तो प्रांजल ने अपनी एक, डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूसी बुक यानी किताब, जासूसी किताब जो थी उसके पास, उसमें अपना मुंह घुसा लिया यानी अपनी नाक घुसा ली और वो पढ़ने लग गया। राजवीर टू वॉज एन एडंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, कि राजवीर भी एक प्रबल फैन था, यानी उसको भी बहुत शौक था डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने का। बट एट द मोमेंट, लेकिन इस समय ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी, उस वो अभी ज़्यादा उत्सुक किस चीज़ के लिए था कि बाहर जो दृश्य, जो सीनरी दिखाई दे रही थी खूबसूरत, उसको देखने में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो कहा जाता है कि दोनों बच्चों को जासूसी किताबें पढ़ने का शौक था, तो प्रांजल तो घुस गया अपनी किताब पढ़ने में, लेकिन राजवीर जो है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था बाहर के जो खूबसूरत दृश्य हैं उनको देखने में। हालांकि उसको भी बहुत इंटरेस्ट था जासूसी किताब पढ़ने का, लेकिन आज इस क्षण में तो वो उस दृश्य का आनंद लेना चाह रहा था जो बाहर दिखाई दे रहा था। डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूसी और एडंट का मतलब होता है प्रबल। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, यानी बाहर जब वो देखता है तो कहता है कि हरा हरा, चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा था सब जगह पे। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, उसने कभी भी, नेवर सीन यानी कभी भी नहीं देखी थी, इतनी ज़्यादा हरियाली पहले कभी भी उसने नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस, और उसके बाद में जब वो बाहर देखता है खिड़की से ट्रेन में बैठा बैठा, देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, तो उसके बाद में जो कोमल सी जो पैडी फील्ड्स यानी जो धान के खेत दिखाई दे रहे थे, जो चावल के खेत दिखाई दे रहे थे, गेव वे टू टी बुशेस, उन्होंने रास्ता दिखाया, यानी उन्होंने अंदर से ही थोड़ी देर पहले खेत दिखाई दिए, किसके, चावल के, धान के, और उसके बाद में उनको वहीं से ही क्या दिखने लग गया, बुशेस दिखने लग गई, यानी छोटी छोटी झाड़ियाँ दिखने लग गई। किसकी झाड़ियाँ थी, वो टी बुशेस थी, यानी जब ट्रेन चलती जा रही है तो पहले तो खेत आए धान के, और उसके जस्ट बाद में ही उनके अंदर से ही जो खेत दिखाई देने लग गए, किस चीज़ के, टी बुशेस यानी टी की झाड़ियाँ भी दिखने लग गई, और वो खेत पीछे रह गए, और अब हरियाली बढ़ती जा रही है और आगे क्या दिखने लग गए, टी बुशेस दिखने लग गए। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू, यानी कि वो एक बहुत ही भव्य दृश्य था, अगेंस्ट दी बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल्स, कहाँ पे दिखाई दे रहा था, वो एक जो सघन वन था उसके पहाड़ियों के ऊपर, वो जो सघन वन था उसके पीछे उनको दिखाई देने लग गए, क्या दिखने लग गए, अ सी ऑफ टी बुशेस, ऐसा लग रहा था जैसे कि समुद्र सा दिख रहा हो, किसका, जो झाड़ियाँ हैं, किसकी, टी की, जो चाय के बागान हैं वो वहाँ पे उसको दिखाई देने लग गए। स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, और वो फैले हुए थे जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती थी वहाँ तक। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स, ड्वार्फिंग का मतलब होता है, ड्वार्फ मतलब होता है बोना, छोटा हो, जो होता है उसको बोलते हैं, और वो क्या कर रहे थे कि उस इतनी दूर तक फैले हुए थे कि जो नज़र जहाँ जहाँ तक भी जा रही थी वहाँ पर वो जो टी बुशेस हैं वो छोटे नज़र आने लग गए थे। वट टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज एंड एडमिस द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, और वहाँ पर बड़ी बड़ी स्टर्डी शेड्स, स्टर्डी का मतलब होता है उन्हीं के बीच में उनको मजबूत पेड़ भी दिखाई दे रहे थे। एंड एडमिस द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजीली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, और बड़े बड़े जो पेड़ हैं उन्हीं के बीच में वो चाय के बागान जो थे उनकी जो छोटी छोटी झाड़ियाँ थी वो बोनी सी नज़र आ रही थी, और
पूरी की पूरी क्रमबद्ध होई हुई थी, यानी कि बुशेस बिजीली मूव डॉल लाइक फिगर्स, वो ऐसे लग रहे थे जैसे छोटी गुड़िया की तरह, छोटी छोटी गुड़ियाएँ होती हैं उस तरह की फिगर्स दिख रही थी, और सबकी सब एक लाइन में ऑर्डरली रोज यानी एक क्रम में दिखाई दे रही थी। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक, और थोड़ी दूरी पर ही उनको एक और चीज़ दिखाई दी, वो क्या दिखाई दी उसको, एक अगली यानी भद्दी सी बिल्डिंग दिखाई दी विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, जिसके अंदर से लंबी जो चिमनियाँ थी उसके अंदर से जो धुआं है वो लहरा के बाहर आ रहा था। बिलोइंग का मतलब होता है लहरा के बाहर की तरफ निकलना। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, और जैसे ही वो पूरे के पूरे दृश्य को उसने देखा उसके मुंह से निकला कि देखो कितना खूबसूरत चाय का बागान है, चाय का बगीचा है, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एक्साइटेड मतलब होता है भावावेश में उत्तेजित होना। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, और प्रांजल जो है उसका वहीं जन्म हुआ था, उसी जगह आसाम में ही वो पैदा हुआ था और वहीं पर वो बड़ा हुआ था। Had been born यानी वहीं जन्मा था, and brought up और वहीं पे ही वो बड़ा हुआ था, on a plantation उन्हीं बागानों में, didn't share राजवीर's excitement, उसने कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया राजवीर की उत्तेजना के साथ, यानी उसको कोई खास excitement नहीं हुआ, वो क्योंकि वो तो वहीं पला बड़ा था तो उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, तो उसने कोई खास ज़्यादा जिज्ञासा नहीं दिखाई, उसकी जिज्ञासा में वो शामिल नहीं हुआ। ओह दिस इज़ टी कंट्री नाउ, और फिर वो कहता है कि देखो अब ये चाय का बागान आ गया है, यानी चाय का क्षेत्र आ गया है, चाय का देश आ गया है। देश और क्षेत्र दोनों चीज़ें यूज़ की जाती हैं कंट्री के लिए। ही सेड, और उसने कहा आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस, और उसने फिर कहा क्योंकि वो थोड़ा पढ़ के आया था आसाम के बारे में, तो राजवीर ने कहा कि आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस, की आसाम जो है उसमें सबसे ज़्यादा केंद्रीकरण किस चीज़ का है, यहाँ पर चाय के बागान जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है केंद्रीकरण, और प्लांटेशन मतलब होता है बागान या खेती। तो वो बताता है कि आसाम में बहुत ज़्यादा खेती होती है, बहुत ज़्यादा बाग हैं किस चीज़ के, चाय के, और चाय का ये सबसे बड़ा केंद्रीकरण है यहाँ पे, ऑफ प्लांटेशन इन दी वर्ल्ड, यानी संसार के सबसे ज़्यादा जो बागान हैं वो यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, यानी इनफ यानी पर्याप्त, यहाँ पे अगर आप देखना शुरू करोगे तो आपकी आँखें आगे तक एंड तक देखती रहेंगी, आपको अनंत तक आगे तक पूरे गार्डन बगीचे ही बगीचे दिखाई देंगे। टू लास्ट योर लाइफ टाइम, यानी ऐसा लगता है जिंदगी भर भी आप उनको देखते रहो तो वो ख़त्म नहीं होंगे, इतने यहाँ पे बागान हैं। I have been reading as much as I could about tea. और फिर उसने कहा कि मैं चाय के बारे में पढ़ रहा हूँ, जितना ज़्यादा मैं पढ़ सकता था उतना मैं पढ़ रहा हूँ। राजवीर said, और राजवीर ने कहा No one really knows who discovered tea. कोई भी नहीं जानता कि चाय जो है वो उसकी खोज कैसे हुई। बट लेकिन देयर आर मैनी लेजेंड्स, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी कथाएँ हैं। तो क्या कथाएँ हैं, वॉट लेजेंड्स, कि कौन सी कथाएँ। वेल देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर, तो फिर राजवीर कहता है ये जो क्वेश्चन है वॉट लेजेंड्स, कौन सी कथाएँ, ये कौन बोलता है, प्रांजल बोलता है, और उसके जवाब में फिर वापस राजवीर कहता है वेल अच्छा देखो देयर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर, यहाँ पर एक कहानी जो मैं आपको सुनाता हूँ, कथा सुनाता हूँ, वो चाइना के राजा की है, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, जो हमेशा पानी को गर्म करके पिया करता था। वन डे, एक दिन, अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर, एक दिन छोटी जो टहनियाँ जिसके ऊपर उसने अपना वो बर्तन रख के वो जो गर्म कर रहा था, उसके नीचे जो उसने लकड़ियाँ जला रखी थी, उन ट्विग्स मतलब होता है छोटी लकड़ियाँ, उसमें से लीव्स ऑफ द ट्विग्स, उन टहनियों की कुछ पत्तियाँ बर्निंग अंडर, लेजेंड का मतलब होता है पौराणिक कथाएँ, आगे देखते हैं। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर, एक दिन जब वो एक बर्तन के अंदर पानी को गर्म कर रहा था और उसके नीचे कुछ लकड़ियाँ जल रही थी और उन लकड़ियों की जो कुछ पत्तियाँ थी उसके नीचे, द पॉट फेल इन टू, वो क्या हुआ, कुछ पत्तियाँ उस
पॉट के अंदर, यानी वो जो बर्तन था उसके अंदर गिर गई, जिसमें वो पानी बॉयल हो रहा था, इनटू द वाटर, उसी पानी के अंदर, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और उसके कारण उस पानी का जो स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार हो गया, बहुत ही जो उसका फ्लेवर है यानी जायका जो है वो बहुत ज़्यादा मस्त हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, तब लोगों ने ये कहा गया कि भाई ये चाय की पत्तियां हैं जिनके कारण कि ये इसका जो स्वाद है वो इतना अच्छा हुआ है, तो इस तरह से चाय की पत्तियों की खोज हुई। ये एक कहानी उसने सुनाई। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल, स्कॉफ्ड का मतलब होता है थोड़ा सा मजाकिया लहजे में कि भाई ये भी कोई बात हुई, जैसे हम किसी बात पे विश्वास नहीं करते और मजाक सा बनाते हैं ना, अच्छा चलो ठीक है दूसरी सुनाओ, तो उसने कहा कि चलो ठीक है दूसरी सुनाओ। टेल मी अनदर, दूसरी मेरे को बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, वो कहता है कि एक भारतीय कथा भी है जो मैं आपको सुनाता हूँ, वो क्या है। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, बौद्ध धर्म एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्टिक, यानी बुद्ध धर्म में एक बहुत ही प्राचीन बुद्ध एस्टिक थे, भिक्षुक थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपनी आँखों की आईलिड्स होती हैं ये जो हमारी पलकें होती हैं उनको बोलते हैं, उसने अपनी आईलिड्स को काट लिया। बिकॉज, क्यों काटा, ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, क्योंकि जब भी वो ध्यान करते थे तो उनको नींद आने लग जाती थी, तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरी आईलिड्स मैं काट लूँगा तो आँखें जो हैं वो बारी बारी बंद नहीं होंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो उन्होंने अपनी आईलिड्स काट ली, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान, ध्यान के दौरान उनको नींद आने लग जाती थी, उनको नींद जैसा महसूस होता था। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और वो जो पलकें उन्होंने काटी थी उससे कहते हैं कि 10 चाय के जो पौधे हैं वो उग गए। The leaves of the tea, these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. और कहा जाता है कि इन पौधों की जो पत्तियाँ थी, जब उनको पानी में डाला गया, गर्म करा गया पानी में डाल के, और फिर जब पिया गया तो drunk, banished sleep, तो उसने जो नींद थी उसको निर्वासित कर दिया, यानी उसको भगा दिया, उसको ख़त्म कर दिया। तो कहने का मतलब कि उससे भी एक इस कहानी को एक रिलेट किया गया है कि ऐसे भी कहा जाता है कि ये जो चाय की पत्तियां हैं इनके पीछे की ये कहानी भी प्रचलित है। स्कॉफ्ट का मतलब होता है उपहास करना, मजाक करना, जैसा कि प्रांजल उसकी बात का मजाक बना रहा था। एस्टिक मतलब होता है भिक्षु, और मेडिटेशंस का मतलब होता है ध्यान। चलिए आगे देखते हैं। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, सबसे पहले जो चाय है वो कहाँ पी गई थी, चाइना में पी गई थी। राजवीर एडेड, राजवीर ने अपनी जो पढ़ के आया था जितनी भी उसको नॉलेज थी उसमें और चीज़ों को जोड़ा, एडेड यानी जोड़ते हुए कहा। एज फार बैक एज, और ऐसा कब हुआ था, बहुत साल पहले, 2700 BC यानी 2700 ईसा पूर्व। In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. कि ऐसा कह सकते हैं कि यह भी एक, इनफैक्ट हम इस चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं कि जो शब्द हैं जैसे कि चाय, टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइना, चाइनीज़, ये जो शब्द हैं ये चाइनीज़ लोगों से आए हैं, क्योंकि उस तरह से मेल खाते हैं जो उनकी भाषा शैली है उससे। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century, और जो चाय है वो यूरोप में तो 16वीं शताब्दी में आई थी, तो उससे पहले वो कहाँ पे आई बताते हैं, चाइना में आई बताते हैं। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन अ बिवरेज, और जब ये 16th century में यूरोप में आई चाय, तो उस समय इसको कैसे पिया जाता था, इसको एक औषधि के रूप में यानी एक मेडिसिन के रूप में पिया जाता था। देन अ बिवरेज, एक बिवरेज का मतलब होता है एक पेय पदार्थ जिसको आप रोज़ डेली बेसिस पे पीते हो। तो जब ये शुरू में जब यूरोप में आई चाय, तो लोगों को ठीक करने के लिए एज अ मेडिसिन इसको यूज़ में लेते थे। हम सोच सकते हैं कोई जुखाम में या किसी भी चीज़ में लेते होंगे, लेकिन उसको एक पेय पदार्थ के रूप में उस समय में काम में नहीं लेते थे, ये बाद में प्रचलन में आई। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन,
और उसके बाद में क्लैटर्ड मतलब होता है खटखट करके जो ट्रेन है, जो रेलगाड़ी है, वो मारियानी जंक्शन पे पहुंचती है। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज, बच्चों ने, दोनों लड़कों ने अपना सामान जो था उसको इकट्ठा किया। कलेक्टेड मतलब इकट्ठा करना, लगेज यानी सामान, एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और फिर वो अपना जो रास्ता है वो भीड़ भाड़ वाला जो प्लेटफॉर्म था उसके अंदर वो चलने लग गए। एस मेडिसिन का मतलब दवा के रूप में, बेवरेज मतलब पेय पदार्थ, क्लैटर्ड का मतलब होता है खड़खड़ाना, कलेक्टेड का मतलब होता है इकट्ठा करना, लगेज यानी सामान, और क्राउडेड मतलब भीड़ भरा। तो अब उन बच्चों ने, दोनों ने अपना रास्ता जो है वो पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, जो भीड़ वाला जो प्लेटफॉर्म था उसकी तरफ उन्होंने अपना रास्ता बना लिया, यानी वहाँ पर वो चलने लग गए प्लेटफॉर्म की तरफ। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और वहाँ पर कौन उनका इंतज़ार कर रहा था, प्रांजल के जो पेरेंट्स हैं वो उसका इंतज़ार कर रहे थे, माता पिता। सून देवर ड्राइविंग टूवर्ड्स डेकियाबारी, और थोड़ी देर बाद में वो लोग डेकियाबारी की तरफ जा रहे थे जहाँ पे क्या था, प्रांजल का घर था। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, और वो जो डेकियाबारी जो जगह है वहाँ पे क्या था, वो एक चाय का बागान था जिसको कि प्रांजल के जो पिताजी हैं वो ही उसके प्रबंधक थे, वो ही उसको मैनेज करते थे, तो वो उस तरफ चल पड़े। एन आवर लेटर द कार वेट शार्पली ऑफ द मेन रोड, एक घंटे के बाद में जो गाड़ी है, वीड का मतलब होता है तेज़ी से मुड़ना, शार्पली ऑफ द मेन रोड, मेन रोड से थोड़ा सा नीचे की तरफ तेजी से गाड़ी घूमी। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड डेकियाबारी टी एस्टेट, और उन्होंने एक मवेशी पुल, कैटल ब्रिज का मतलब होता है मवेशी पुल, उसको क्रॉस किया एंड एंटर्ड, और दाखिल हो गए कहाँ पे, डेकियाबारी टी एस्टेट के अंदर वो लोग दाखिल हो गए। वियर्ड का मतलब होता है वाहन का अचानक मुड़ जाना, और एंटर्ड का मतलब होता है प्रवेश करना। आगे देखते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वेयर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस, बोथ साइड मतलब दोनों तरफ, ग्रेवल रोड का मतलब है जो पत्थर की, जो कंकर की जो बनी हुई रोड होती है वो वाली रोड, वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस, यानी जो रोड थी उसके दोनों तरफ एकड़ तक यानी कई एकड़ों तक फैले हुए क्या थे, चाय के बागान थे, और टी बुशेस थी वहाँ पे जो चाय की जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं वो दिखाई दे रही थी। ऑल नीटली प्रूंड टू द सेम हाइट, और सारी की सारी खूबसूरत साफ सुथरी थी, और सबको एक ही हाइट में काटा गया था। प्रूंड का मतलब होता है उनको काटना, काट छाट करना। टू द सेम हाइट ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, और वहाँ पे उनको और क्या देखने को मिला, ग्रुप्स यानी समूहों में चाय को तोड़ने वाले लोग, विथ बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, और उनके पीठ के ऊपर उन्होंने बैम्बू की यानी कि बांस की छोटी जो टोकरियाँ होती हैं उनको लटका रखा था, और वो लोग वहाँ से चाय की पत्तियाँ तोड़ रहे थे। वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, और उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन्स पहन रखे थे। एप्रन मतलब होता है जो हम कोई भी कपड़ों के ऊपर ऐसा कुछ पहनते हैं जिससे कि अंदर के वस्त्र खराब ना हो, जैसे हम खाना बनाते हैं तब भी हम एप्रन पहनते हैं, उसी तरह से जो ऊपर से वस्त्र पहना जाता है किसी भी पोशाक के, ताकि वो पोशाक खराब नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं एप्रन। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो एप्रन पहन रखे थे वो किसके थे, प्लास्टिक के एप्रन थे। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वो क्या कर रहे थे, जो नई नई स्प्राउटेड यानी अंकुरित हुई हुई जो पत्तियाँ थी उनको वो तोड़ रहे थे। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर, और चलते चलते प्रांजल के जो पिताजी हैं उन्होंने थोड़ी गाड़ी को धीरे कर दिया। स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर, अपनी गाड़ी को इसलिए धीरे किया क्योंकि पास से कोई दूसरा ट्रैक्टर जा रहा था वो जा सके। पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, क्योंकि उस ट्रैक्टर के साथ में जो पीछे जो गाड़ी लगी हुई थी, जो उसकी जो ट्रेलर था उसके पीछे, उसके अंदर बहुत सारी चाय की जो पत्तियां हैं वो रखी हुई थी, यानी उसके पास काफ़ी वजन था उस ट्रेलर पे, तो उस ट्रैक्टर को रास्ता देने के लिए प्रांजल के जो पिताजी हैं उन्होंने अपनी गाड़ी को धीरे कर लिया। ग्रेवल रोड यानी रोडी वाली सड़क, प्रूंड यानी कांट छांट की हुई, वियरिंग यानी पहने हुए, प्लकिंग मतलब तोड़ रहे थे, और न्यूली स्प्राउटेड यानी नए अंकुरित हुए हुए, नए फूटे हुए।
दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजेंट इट मिस्टर बौरा। अब मिस्टर बौरा कौन है, प्रांजल के फादर है, उनसे पूछता है, कौन पूछता है, राजवीर पूछता है, दिस इज द सेकेंड फ्लश कि ये दूसरी खेती है ना, द्वितीय फसल है ना, और स्प्राउटिंग पीरियड इजेंट इट, यानी कि ये दूसरी फसल है ना जिस समय अंकुरित होती हैं पत्तियाँ और आप इनको तोड़ते हो, मिस्टर बौरा इजेंट इट, ऐसा नहीं है क्या, राजवीर आस्क, राजवीर ने पूछा, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड ईज द बेस्ट टी, और फिर वो कहता है क्योंकि ये जो खेती है ये कब से कब तक चलती है, ये मई से जुलाई तक होती है और इसमें बहुत अच्छी फसल जो है, बहुत अच्छी जो पत्तियां हैं वो प्राप्त करते हैं लोग बाग, तो बेस्ट टी इस समय पे प्राप्त की जा सकती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, और ये बात सुन के, क्योंकि राजवीर आसाम का था नहीं और आसाम की चाय के बागानों के बारे में उसको इतनी नॉलेज थी, तो उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ प्रांजल के फादर को, एंड फादर सेड इन सरप्राइज, और इसी आश्चर्य में प्रांजल के जो फादर हैं उन्होंने कहा, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, कि ऐसा लगता है कि यहाँ आने से पहले तुम अपना पूरा गृह कार्य करके आए हो, यानी कि तुम पूरी जानकारी प्राप्त करके आए हो इस एरिया के बारे में, तो ये बहुत अच्छा लगा उनको और वो आश्चर्यचकित भी थे। यस मिस्टर बौरा, राजवीर एडमिटेड, और राजवीर ने इस बात को माना भी कि हाँ मैं इसके बारे में पढ़ के आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, लेकिन मैं और भी ज़्यादा जानना चाहता हूँ जब तक मैं यहाँ पर हूँ, तो उसका कहने का मतलब कि हाँ मैं पढ़ के तो आया हूँ, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, लेकिन जितने दिन मैं यहाँ हूँ तब तक मैं चाय के बागानों के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। तो सेकेंड फ्लश का मतलब होता है द्वितीय फसल। तो हमने बच्चों इस चैप्टर को पढ़ा, बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर था। अब आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि चाय कहाँ होती है, आसाम में सबसे ज़्यादा, दुनिया की सबसे ज़्यादा चाय के बागान है वहीं पे उगाई जाती है। तो बड़ी ही प्यारी सी ये कहानी थी, लेकिन आप लोगों की नॉलेज भी काफ़ी बड़ी होगी। आप इसको चैप्टर को ढंग से पढ़िएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।